इनडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे अंत तक देखें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आप अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी हेल्थ को हर रोज़ कम से कम 10 बार बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगे हैं। पहले हम सर्दी खांसी बुखार या फिर किसी इन्फेक्शन के लिए 100 mg या 200 mg दवा लेते थे और ठीक भी हो जाते थे, लेकिन अब अगर यानी प्रेजेंट टाइम में कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए मिनिमम डोज 500 mg से स्टार्ट होती है और इसके ऊपर भी जाती है। जैसा कि हाल ही में हमने यानी कोरोना के समय में हमने डोलो 600 mg और 1 ग्राम की पैरासीटामोल को काफ़ी चलन में देखा। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और यदि नहीं तो मैं आज आपको एक बहुत ही परेशान करने वाली रिपोर्ट दिखाता हूं जो हम में से ज़्यादातर लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप में से यदि किसी ने द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल का नाम नहीं सुना तो केवल उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुनिया भर में बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करती है और इसकी रिपोर्ट्स पर सारी दुनिया में विश्वास किया जाता है। तो लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेस्ट पैसिफिक रीजन जिसमें चीन आता है और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जिसमें भारत आता है, यहाँ के लोगों के जल स्रोतों खासकर नदी और तालाब का पानी जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से होकर लोगों के घरों तक पहुँचता है, इस पानी में यानी लोगों के घर जो पानी नलों से आता है उसमें एंटीबायोटिक दवाओं का कॉन्सेंट्रेशन चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका है। इस रिपोर्ट को कई न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है और आज हम इसी पर एक सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे घरों के 6 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग सभी की हेल्थ से जुड़ी हुई है। और हमारे वो दर्शक जिन्हें मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी हो रही है उनके लिए मैं न्यूज़पेपर की इमेज को स्क्रीन पर लगा रहा हूं और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं के दर्शकों के लिए लैंसेट की इंग्लिश की रिपोर्ट को भी बीच बीच में स्क्रीन पर चलाया जाएगा। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यदि हमारे घरों में वाटर प्यूरीफायर या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्यूरीफायर भी लगे हैं तो भी इन एंटीबायोटिक्स को फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधे फिल्ट्रेशन प्लांट से ही आ रहे हैं। देखिए, शहरों के आसपास जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं वहाँ 6 बेसिक स्टेप्स में काम होता है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी मुझे आपको वो तरीका भी बताना है जिससे कि आप इस एंटीबायोटिक वाले पानी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट में पहला स्टेप होता है वाटर कलेक्शन यानी पानी को इकट्ठा करना। शहरों में यह पानी नॉर्मली आसपास के नदी या तालाबों से आता है, इसे रॉ वाटर या कच्चा पानी भी कहते हैं। इसमें पूरे शहर की गंदगी और सीवेज सब कुछ मिला हुआ हो सकता है। दूसरा स्टेप है प्री सेडिमेंटेशन। इसमें यदि पानी में मिट्टी, रेत या कार्बनिक पदार्थ या कीचड़ मिली हुई है तो इन्हें तल पर बैठने दिया जाता है। तीसरा स्टेप है कोएगुलेशन। इसमें मेनली पानी में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे पानी में मौजूद माइक्रोब्स या फिर छोटे कार्बनिक पदार्थ एक जगह इकट्ठे हो जाए, यानी कि उनके गुच्छे या क्लम्प्स बन जाए। चौथा स्टेप है फ्लॉकुलेशन। वैसे ये भी कोएगुलेशन के समान ही है, बस इसमें बड़े बड़े टर्बाइन लगाकर पानी को स्टिर किया जाता है जैसे कि हम दूध को स्टिर करते हैं। पाँचवा स्टेप है सेडिमेंटेशन, जिसमें फ्लॉकुलेटेड वाटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि बचे हुए पार्टिकल्स भी तल पर बैठ जाएं। और छठवा यानी कि फाइनल स्टेप है डिसइन्फेक्शन, यानी पानी में मौजूद खतरनाक जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को मारना। बस इसी स्टेप में हमारे पानी में एंटीबायोटिक्स की मिलावट हो रही है। और क्योंकि फाइनल स्टेप के बाद इस पानी को पाइपलाइन से सीधे हमारे घरों तक पहुँचा दिया जाता है, इसलिए बीच में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जो इस पानी में से क्लोरीन या किसी एंटीबायोटिक या फिर किसी दूसरी दवा को निकाल सके। अब बात आती है कि पानी में आखिर कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं और यदि एंटीबायोटिक्स मिला भी दी गई हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है। तो अभी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ कि हमें क्या खतरा है और क्यों शहर के लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस बात का जवाब दे दूँ कि पानी में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं। तो देखिए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में ऐसी एंटीबायोटिक मिलाई जाती है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ताकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हर तरह के बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। और इन एंटीबायोटिक्स में शामिल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स और साथ ही जेंटामाइसिन भी। इसके अलावा भी कई और एंटीबायोटिक मिलाई जा सकती हैं जो कि उस खास ट्रीटमेंट प्लांट
और उसे रेगुलेट करने वाली बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह के एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं कि यदि पानी में एंटीबायोटिक्स मिली हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको खतरा बताता हूँ, उसके बाद इस खतरे को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो यदि हम लगातार पानी में एंटीबायोटिक्स मिला रहे हैं तो सबसे पहले उस पानी के सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे और करते भी हैं, जिसे कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरा, लगातार एंटीबायोटिक्स वाला पानी पीने से हमारी बॉडी में भी इन दवाओं के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये दवाएं हम पर प्रभावी नहीं रह जाएंगी, और यही कारण है कि आजकल जब भी शहरी लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें एक बड़ी डोज जैसे कि 500 या 600 mg की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, जब मैं बच्चा था तब मेरे घर में मच्छरों को भगाने के लिए गाय के गोबर यानी कंडों का धुआं किया जाता था। फिर कुछ सालों में धुएं ने असर दिखाना कम कर दिया, उसके बाद मॉस्किटो कॉइल, फिर कछुआ छाप, उसके बाद मॉस्किटो मैट, नीले रंग की टिकिया, हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो, उसके बाद मच्छर भगाने की अगरबत्ती, फिर लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये सब कुछ एक समय तक ही काम करते हैं और एक समय तक ही इन्होंने काम किया, और अगले सीजन में जब मच्छर आए तो और भी ज़्यादा पावरफुल होकर आए। इसका मतलब ये है कि मच्छरों ने उन सभी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया जो कि असल में उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी। ठीक इसी तरह एंटीबायोटिक्स का काम है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। यदि हम ही बैक्टीरिया को बार बार एंटीबायोटिक्स खिलाएंगे तो वो नेचुरली इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर ही लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस दुनिया भर में एक चिंता का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो पानी को एंटीबायोटिक्स से फ्री करने का तरीका बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो इसके बाद अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे कि शहरों में रहने वाले लोग अपने ड्रिंकिंग वाटर को इन एंटीबायोटिक्स से फ्री कर सकते हैं। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों ने एंटीबायोटिक का पैक ज़रूर देखा होगा, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। इस पर साफ शब्दों में लिखा होता है, स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। यानी कि एंटीबायोटिक्स ठीक तरह से तभी काम करती है जब आप इसे ठंडी जगह पर या रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, जो कि नॉर्मली 22 से लेकर 28 डिग्री के बीच होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंटीबायोटिक्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नष्ट होने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी एंटीबायोटिक्स भी उतनी ही तेज़ी से ख़राब हो जाएगी। और जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स 40 डिग्री सेल्सियस के बाद नष्ट होने लगती है। हालांकि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि 65 डिग्री सेल्सियस तक भी टिकी रहती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो अपने पानी से एंटीबायोटिक्स नाम की इस गंदगी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे उबाल लिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाल कर और फिर ठंडा करके इसके बाद इस पानी को पिया जाए। ऐसा करने से आपका पानी ऑलमोस्ट 99% एंटीबायोटिक फ्री हो जाएगा, और यदि उसमें कुछ बैक्टीरिया और वायरस रह भी गए हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो तरीका यही है, बहुत ही सरल, इसे सभी लोग कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें महंगे किसी इक्विपमेंट या रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्यूरीफायर की ज़रूरत नहीं रहती। यही तरीका हमें हज़ारों सालों से बचाता हुआ आ रहा है और आगे भी यही तरीका हमें बचाएगा। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ये जानकारी वास्तव में करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को अभी शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।